आज तक न्यूज चैनल के पत्रकार रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री से लेकर देश के बड़े बड़े नामे गिरामी लोगों ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताया। ऐसे में एडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी रोहित सरदाना को याद किया। रोहित सरदाना को याद करते हुए रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा होता है कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई। डॉक्टरों ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षणों पर किस तरह से मॉनिटर किया गया। इसके साथ ही रवीश कुमार कहते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा। मैं नहीं कहना चाहूंगा कि लापरवाही हुई होगी, मगर कुछ चूक हो सकती है। ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अब भी इस सवाल से जूझ रहा हूं कि घरेलू स्तर पर डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीज इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल जा रहे हैं, वहां भी स्थिति बिगड़ रही है। इसे लेकर एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा था। इस सवाल का उत्तर खोज रहा हूं। कई जगहों से डॉक्टर के बनाए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं, जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया है, उससे लगता है कि डॉक्टर सही समय पर जरूरी दवा नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और कई डॉक्टरों की पर्ची देखकर एक अंदाजा होता है कि सही दवा तो लिखी ही नहीं गई है। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था, जहां देश भर में रैंडम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता। अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता। मैं रोहित के निधन से स्तब्धता के बीच इस सवाल से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और न ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। इसके बाद रवीश कुमार ने रोहित सरदाना के निधन पर आज तक के उस फैसले का बचाव किया जिसमें रोहित सरदाना की मौत की खबर को तुरंत नहीं दिखाया गया। रवीश लिखते हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए कि जिस न्यूज रूम में ये खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। दूसरा, यह भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग होंगे, उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी है। अगर आप इसे न्यूज चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो आपके परिवार पर क्या गुजरेगी, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो न्यूज रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर रही रहे होंगे। बात भले ही बाहर ना जाए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही होगी। रवीश कुमार भी रोहित सरदाना की मौत पर दुख जताते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि रोहित सरदाना के निधन की खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई, सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कितने पत्रकार देश भर में मर गए, सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ नहीं कहा। रवीश कुमार ने अनगिनत लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से ही फुर्सत नहीं। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज साफ करते रहें ताकि उनका फोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट करिए ताकि उन्हें सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि आम लोगों की जान चली गई, प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांध कर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता। लिखने पर केस कर देने और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं, वो इंसानियत के साथ नहीं है।
इसके साथ ही रवीश कुमार लोगों से अपनी आंखों पर पड़ी अंधभक्ति का पर्दा हटाने के लिए कहते हैं। रवीश लिखते हैं, इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए, जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश कर देता है और उससे बने राजनीतिक समाज का भी। ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्य को समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था। अगर वे समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होगी। रवीश कुमार आगे लिखते हैं, अभी भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। अगर उससे किसी की जान बच जाती है तो मुझे बता दीजिए, जान नहीं बची आंकड़ों को छुपा लीजिए, मत छापिए, मत छपने दीजिए, बहुत बहादुरी का काम है, बधाई। आप सबको डरा देते हैं और सब आपसे डर जाते हैं, कितनी अच्छी खूबी है सरकार की। घर घर में लोगों की जान गई है, वो जानते हैं कि कब कौन और कैसे मरा है। इसके साथ ही रवीश कुमार रोहित सरदाना से पत्रकारिता और विचारधारा में तमाम मतभेद होने के बावजूद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखते हैं, रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि। उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उभरेगा इस हादसे से, और ऐसे हादसे से भला कौन उभर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दें, और वो भी तुरंत, ताकि उनके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दें। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुख की खबर को सहने की ताकत मिले। रवीश कुमार। आखिर में रवीश कुमार अपने पाठकों के लिए एक नोट भी लिखते हैं और कहते हैं कि जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फर्ज इंसान होने का है, और ये फर्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं है, तो इंसान बनिए। अभी भाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते तो अफसोस, विनम्र बनिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। किसी को पता नहीं है कौन किससे बिछड़ जाए, सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त। फिलहाल रवीश कुमार के फेसबुक पेज पर आधारित इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।